वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा लग रहा है थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम जिज्ञासा, आई एम बैक विद अनदर वीडियो गाइस, एंड दिस इज गोना बी माय नायका इंडिपेंडेंट सेल हॉल वीडियो। और इसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि कौन कौन सा प्रोडक्ट मैंने इस सेल में खरीदा है। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स जंप टू द ट्रीज वीडियो। सबसे पहले जो प्रोडक्ट है गाइस वो है ये मेबेलिन का मस्कारा। ये है द कलोसल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा, जो कि मेरे पास कुछ भी एक मस्कारा नहीं था, तो मैंने सोचा कि एक मस्कारा तो इस हॉल में मुझे लाना ही है। सो ये मस्कारा, इसका स्वचेस मैं करके भी आप लोग को दिखा दूंगी। इसको लगाना बहुत ही इजी है। इसका जब ये मस्कारा लगाएं, थोड़ा एक्सेस प्रोडक्ट इसमें निकल जाता है, जो कि थोड़ा निकाल देना चाहिए और उसके बाद अप्लाई करना चाहिए। मैं कोई प्रो तो नहीं हूँ गाइस, लिटिल बिट मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है जो मेकअप के बारे में, मैं उतना ही आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। मैं कोई ब्यूटी ब्लॉगर भी नहीं हूँ। सो ऐसे कुछ ऐसे करके मुझे थोड़ा अप्लाई करना अभी कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, लेकिन मैं अप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रोडक्ट, जो कि है ये छोटा सा लैक्मी का आईलाइनर, जो कि बहुत इलेक्ट्रिक ब्लू कलर का है और मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसका मैं स्वचेस भी दिखा देती हूँ गाइस। ये लगाने में इतना ईजी नहीं है जितना कि हम लोग बाकी लाइनर लगाते हैं, लेकिन मैं इसको लगाने की ट्राई कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत एफोर्डेबल और लैक्मी का प्रोडक्ट भी है, और क्या चाहिए। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रोडक्ट गाइज, वो है मेरा मामा अर्थ का इतना सारा प्रोडक्ट, जो कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है मामा अर्थ बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का बहुत सारा रिव्यू मैंने इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब में देखा है। बहुत सारे ब्यूटी ब्लॉगर, यूट्यूबर ने भी इसका रिव्यू दिया है। सो मैं बहुत एक्साइटेड थी ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए और इसको ट्राई करने के लिए। सो फिलहाल मैं अभी खरीदी हूँ और इसको ट्राई करके एक हफ्ते के बाद, आई थिंक एक हफ्ता सफिशिएंट हो जाएगा इसको ट्राई करने के लिए। उसके बाद आप लोग के साथ अपना थॉट, रिव्यू, जो भी सब आपके साथ शेयर करूंगी कि ये प्रोडक्ट कैसा है एक्चुअल में। और दिस इज नॉट ए स्पॉन्सर वीडियो गाइज, मैंने सब कुछ, जितने सारे आप हॉल देख रहे हैं, सब कुछ मैंने अपने पैसों से खरीदा है। सो इट्स नॉट ए पीआर और स्पॉन्सर वीडियो। सो मामा अर्थ का जो सबसे पहला प्रोडक्ट मैंने क्या खरीदा है वो है, ये है मामा अर्थ का ओवरनाइट रिपेयर नाइट क्रीम, जो कि मुझे एक नीडेड था नाइट क्रीम के लिए। मैं तो जो कि आप लोग के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ कि मेरा होममेड रेमेडी वाला जो नाइट क्रीम बनाया है, लेकिन हमेशा वो बनाओ फिर करो ये सब मुझे ठीक नहीं लगा, तो एक नाइट क्रीम मुझे मस्त चाहिए था। तो वो अभी मैं ये ट्राई करने वाली हूँ, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैंने मामा अर्थ का खरीदा है वो है मामा अर्थ टी ट्री हेयर मास्क। इसमें है टी ट्री, ऑर्गन ऑयल एंड लेमन ऑयल, जो कि डैंड्रफ के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और अभी जो मौसम चल रहा है गाइज, इसके लिए मुझे ये बहुत नीडेड था। डैंड्रफ मेरा बहुत हो रहा है और मेरे हेयर के लिए बहुत ही एक डैंड्रफ फ्री करने का एक मास्क चाहिए था। सो मैं ये प्रोडक्ट यूज़ करके आपको भी ये रिव्यू दे दूंगी कि कैसा है। फुल रिव्यू आपको आ जाएगा गाइस एक हफ्ते के बाद आपको, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें ट्राई करने के बाद ही आप लोग के साथ शेयर करूंगी। मैं थोड़ा फंबल ज़्यादा कर रही हूँ, मैं मुझे पता है मेरा हिंदी अच्छा नहीं है। एनीवे, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है गाइस, मामा अर्थ का ऑर्गन हेयर मास्क विथ ऑर्गन ऑयल, एवोकाडो ऑयल एंड मिल्क प्रोटीन, जो कि फ्रिज फ्री हेयर के लिए बहुत अच्छा है। मेरे ऑर्डर के साथ कुछ प्रोडक्ट नायका से मुझे फ्री में मिले थे, जो कि है मामा अर्थ का ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर विथ एप्पल साइडर विनेगर। ये एक्ने एंड पोन स्किन के लिए बहुत अच्छा है। मेरा एक्ने पोन तो नहीं है स्टिल, मैं देखूंगी कि ये कैसा है। नहीं अप्लाई करना चाहिए आई थिंक, बट स्टिल मैं आप लोगों के लिए रिव्यू करने के लिए मैं अप्लाई कर लूँगी और मेरे हस्बैंड को दे दूँगी। और जो नेक्स्ट दो प्रोडक्ट मुझे फ्री में मिले हैं वो है एक मेकअप रिमूवर और एक हैंड क्रीम। ये जो मेकअप रिमूवर है वो है जस्ट हर्बल का ताजल, और ये जो हैंड क्रीम है वो है एरोमा मैजिक नरिसिंग हैंड क्रीम। और इसका क्या मैं करूँ, लेकिन गाइस ये सैम्पल प्रोडक्ट है, ये दोनों मुझे मिले हैं जो सैम्पल प्रोडक्ट हैं, इन्होंने मेंशन किया था कि ये सैम्पल प्रोडक्ट आएगा। सो मैं बोलूँगी कि ये तो जैसा मेकअप रिमूवर है, मुझे लगता है कि ये परफ्यूम होना चाहिए। इतना सुंदर स्मेल करता है कि मैं सोच रही हूँ कि इसको परफ्यूम की तरह यूज़ करना चाहिए। एनीवे, लेकिन ट्रैवल फ्रेंडली है, ले लूँगी, यूज़ कर लूँगी। और ये जो है हैंड क्रीम, मुझे हैंड क्रीम
का कुछ नीडेड नहीं था, लेकिन हैंड क्रीम मिल गया, लेकिन इट्स ओके. री री थैंक यू नायका. एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज द मोस्ट वेटेड प्रोडक्ट ऑफ माई, बिकॉज ये जो प्रोडक्ट मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि इसको खरीदूं. मैंने सोचा कि बहुत प्राइसी होगा, लेकिन इतना प्राइसी नहीं है जितना मैं सोची थी. ठीक है, और मुझे इसका रिव्यू गाइस सच्ची में सब लोग का इतना अच्छा रिस्पॉन्स है इस प्रोडक्ट को लेके कि मैं ये उदार खरीदे रहने पाई. सो ये मैं पक्का से इसको अप्लाई करूँगी, टेस्ट करूँगी और आप लोग के साथ रिव्यू भी शेयर करूँगी. इसका एक सेपरेट वीडियो आएगा, मामा अर्थ का एक सेपरेट वीडियो आएगा. सो मेरे चैनल पे जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि आप लोग को ये रिव्यू बहुत जल्द दिखने को मिलेगा. कम से कम आई थिंक एक हफ्ते के बाद, मैं एक हफ्ते का टाइम लूँगी इस प्रोडक्ट को यूज़ करने का, और उसके बाद आप लोग के साथ रिव्यू शेयर कर दूँगी. सो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है मैक कैफीन नेकेड रॉ कॉफ़ी फेस वॉश, और नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है मैक कैफीन नेकेड रॉ कॉफ़ी फेस स्क्रबर. मैं फेस स्क्रबर और फेस मास्क दोनों लाई हूँ. ये दो प्रोडक्ट एक कम्बो में था, तो कम्बो मैंने खरीद लिया था. और एक और मास्क जो है वो कुछ इस टाइप का पैकेजिंग में आएगा. मैं सारा प्रोडक्ट बाद में आपको सब निकाल के वो रिव्यू में तो दिखा ही दूंगी. और इसके साथ एक एनवायरमेंट फ्रेंडली उड़ का एक चम्मच मिलेगा, जो कि अप्लाई करने में बहुत इजी रहता है. मुझे पैकेजिंग बहुत अच्छा लगा, और जो स्मेल है गाइज इसका, मैं ऑलरेडी मतलब खोल के उसका स्मेल सब टेस्ट कर चुकी. मेरा हैबिट ही ये है कि जब भी न्यू प्रोडक्ट आ जाता है तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, सब कुछ खोल खाल के देख लेती हूँ कि कैसा आया है, कुछ ब्रेकेज नहीं है वगैरह वगैरह. एनीवे सो मूव ऑन टू दिस. तो ये जो प्रोडक्ट है मुझे बहुत अच्छा लगा, उसका पैकेजिंग अच्छा लगा, इसका जो उनका थॉट है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली ये सब प्रोडक्ट उन्होंने बनाया है वो अच्छा है. और इसका रिजल्ट क्या निकलता है, कैसा है प्रोडक्ट, सारा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी. सो इतना ही मेरा आज का हॉल था गाइज. किसके लिए ये ज़्यादा होगा, किसके लिए कम होगा, लेकिन मेरे लिए तो बहुत है, क्योंकि मामा अर्थ और मैक कैफीन दोनों ही दोनों अभी ट्रेंडी प्रोडक्ट हैं. सबको ये प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, तो मैं क्यों पीछे रह जाऊँ कि ये प्रोडक्ट ट्राई ना करूँ. सो इट्स नॉट ए स्पॉन्सर, नॉट ए पीआर पैकेजिंग. जो भी ये वीडियो आज देख रहे हैं वो लोग मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आपको रियल में अच्छा लगा है, आपको यूजफुल रहा है, और सच्ची में ये वर्किंग मतलब करता है या नहीं. तो मुझे भी हेल्पफुल हो जाएगी, सच्ची में लोगों के साथ ये हो रहा है या नहीं, तो मुझे भी कुछ आइडिया हो जाएगा. लेकिन मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू के आप लोगों को एक हफ्ते के बाद ही शेयर कर सकती हूँ. सो दैट्स इट गाइज फॉर टुडेज हॉल, और आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल टू यू गाइज. अगर इसमें से आपको कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगा हो तो आप जाके इसको बाय कर सकते हैं. मैं सारा लिंक अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, सो आप क्लिक करके अभी खरीद सकते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट सेल चल रहा है नायका पे. आप जल्द से जल्द प्रोडक्ट खरीद लीजिए, अच्छी खासी सेल मिल जाएगी, अच्छी खासी मतलब डिस्काउंट मिल जाएगी. सो जाइए और खरीदिए, और मैं आपके साथ ये जल्द से जल्द मामा अर्थ और मैक कैफीन का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ. जिसको देखना है जो प्लीज स्टे ट्यून टू माय चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब. आप लोग चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं डेली अपडेट अपना डालती रहती हूँ. मैंने क्या आउटफिट आज पहना है, कौन सा आउटफिट, में मेरा स्टाइल जो है गाइस बेसिक और सिंपल आउटफिट है, जो कि मैं उसको वैरायटी वे में पहनना पसंद करती हूँ. सो आप लोग भी वैसे टाइप के हैं तो आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल. सो जाके आप विजिट कर सकते हैं, अगर पसंद लगे तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को एक और वीडियो के साथ. टिल देन बाय बाय.